बोर्डिंग करने। हम जा रहे हैं लेह, हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। ट्रिप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये हम हैं, क्योंकि हम हैं। गाइस, हमने पहला स्पॉट कवर कर लिया है और उसका नाम है शांति। मुझे कवर कर लिया है शांति स्तूपा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोला था कि दोस्तों की ट्रिप में आते तो 5 लोग हैं पर वो सिर्फ 3 ग्लव्स के साथ आते हैं, नॉट 3 पेयर्स 3 ग्लव्स। ऐसे हम 6 लोगों में एक छाता आया है बट अभी हम 5 ही हैं। Force of attraction की वजह से हमने
हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास, 18,000 फीट पे अभी हम खड़े हैं और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ब्रेथ टेकिंग। गाइस हम लोग पहुंच गए नॉर्थ पुल और हमारे आते ये इतने क्यूट क्यूट डॉग्स ने हमें वेलकम करा, सारे ही बहुत ही क्यूट हैं। ये देखो एकदम ही लिव, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना अम्मी। ये वादियाँ तू, ये मफलर, पहाड़ों में तेरा बसेरा है, गले ये में मफलर किसका है? मेरा ही है। हेलो हेलो, ये बड़े ट्रेन है। गाइज हम लोग खारदुंगला पास देख के आ गए हैं और वर्ड्स नहीं है एक्चुअल में, इतना सुंदर था वो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ और वो वाइब ही डिफरेंट थी, यू हैव टू सी इट योरसेल्फ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खारदुंगला पास के स्टार्ट और एंड में दो चेक पोस्ट हैं आर्मी के, ये सारे रोड्स ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, और एकदम अमेजिंग रोड्स हैं। तो ये जो दोनों चेक पोस्ट हैं इसको बोलते हैं साउथ पुलू एंड नॉर्थ पुलू। साउथ पुलू इज स्टार्टिंग में आता है खारदुंगला पास एंटर करने से पहले, एंड नॉर्थ पुलू इज टुवर्ड्स द एंटर। अभी हम लोग नॉर्थ पुलू में हैं। खारदुंगला पास 17,982 फीट के एल्टीट्यूड में है, और साउथ पुलू और नॉर्थ पुलू इज़ एट 15,000। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं फॉर चाय एंड मैगी, एंड इस वेदर के साथ तो मैगी बनती है। चेक गाइस, क्या व्यू है, एंड हमें वेलकम करने के लिए आए हैं ये सारे क्यूटीज, बहुत ही प्लेफुल डॉग्स हैं। और देखो ये है कैमल राइड, शानदार ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स ऑफ न्यू ब्रा वैली पे।
ये मैप आपने देखा है ना, ये मैप जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई है। तो ब्रिटिशर्स ने कैसे बनवाया ये सब हिस्ट्री के बारे में आपको दीवाने खास में बाद में बताए जाएंगे। तो ये जो मैप जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई, इसमें जो ग्रीन जो पहाड़ इस मैप में, ये अभी पाकिस्तान में है। हम इसको पीओके बोलते हैं, पाक कश्मीर कहते हैं। इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। एक्चुअल में गिलगित बल्तिस्तान है। हाँ, रेड जो पहाड़ है इस मैप का, ये अभी चाइना में अक्साई चीन। तो जम्मू एंड कश्मीर का इतना सा पहाड़ एक्चुअल में अपने पास है और हम यहाँ पे तुर्तुक में। तो बल्तिस्तान का सिर्फ तुर्तुक ही पहाड़, अभी हमारे हिंदुस्तान में बाकी सारा बल्तिस्तान पाकिस्तान में पीओके में, जिसे हम पीओके बोलते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, सर, जो बल्तिस्तान एक तिब्बतन वर्ड से निकलता है, बल मीन्स डाउनवर्ड, एम्प्टी मीन्स वाटर। हमें देखा जितना पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। स्थान मीन्स प्लेस, रहने जगह स्थान कहते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बल्तिस्तान है ना, हिंदुस्तान है। तो स्थान रहने जगह स्थान कहते हैं। सो पानी ऊपर से नीचे जाने वाले जगह को बल्तिस्तान कहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बल्ती कहते हैं। इसीलिए हर जगह आपने बल्ती बल्ती और सुना होगा, बल्ती क्यूजींस, बल्ती किचन। तो यहाँ के लोगों को बल्ती कहते हैं। हमें लगा कि अभी स्पोक बल्ती लगा, ये आर्किटेक्चर बल्तिस्तानी आर्किटेक्चर से हमें। तो आप ये पता हो पूरा हिंदुस्तान में पहले राजा महाराजों का दौर हुआ करता था। तो इस एरिया पे बल्तिस्तान में चार डायनेस्टी हुआ करता था और लद्दाख में एक डायनेस्टी हुआ करता था। लद्दाख में नमग्याल डायनेस्टी ने रूल किया। यहाँ पे छोरवत खपुलिस जो एरिया, इस एरिया पे यब्बो डायनेस्टी ने रूल किया है। यब्बो, हाँ, यब्बो डायनेस्टी के एक फेमस राजा है वो तुराब खान, हु बिल्ट दिस हाउस इन 16th सेंचुरी। फॉर द 3 months ऑफ समर ही यूज्ड टू स्टे हियर। सिर्फ समर के 3 महीने के राजा तुराब खान इस छोटे से घर में रहते थे। राजा तुराब खान इस छोटे से घर को तुर्तुक में इसलिए बनवाया क्योंकि द वर्ड तुर्तुक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दुक्तुक व्हिच मींस स्टे हियर। जितने भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे दे यूज्ड टू स्टे इन तुर्तुक एंड किंग वांट्स टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द ट्रेडर्स। इसीलिए राजा तुराब खान इस छोटे से घर को तुर्तुक में बनवाया ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट्स से टैक्स ले पाए। तुर्तुक जंक्शन जैसा हुआ करते थे, यहाँ से चार रास्ते निकलते थे। आप लोग आए यहाँ से ले से खरदोला खलसा डिस्ट्रिक्ट हुंदर होकर आप तुर्तुक पहुँचो। पहले ज़माने में आप लोग सेम रूट से जाते तो लेह 4-5 दिनों में पहुँचते थे। लेह से आप तिब्बत भी जा सकता था। यहाँ जाते तो करगिल, करगिल से कश्मीर जाते थे। इस रूट से सीधा जाते तो गिलगित होकर अफगानिस्तान, और स्लिक रूट से जाते तो काजगढ़, काजगढ़ से सेंट्रल एशिया। तो इन चारों जगह जाने के लिए तुर्तुक होकर ही जाना होता था। राजा टैक्स लेते थे, इसीलिए राजा तुराब खान ने छोटे सफर को तुर्तुक में बनवाया ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट से टैक्स ले पाए। आप जो नुब्रा वैली एंटर करते तो आपके साथ एक रिवर आता है जिसे शेरोक रिवर कहते हैं, जो आपके साथ आके तुर्तुक से पीओके चल जाता है। वो रिवर ये है, इस रिवर का ओरिजिन चाइना है। चाइना में एक लेक है कमडाम लेक, यहीं से रिवर आता है। अभी आपको पेंगोंग जाना तो रूट है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक विलेज मिलेगा, शयोक विलेज और शयोक वैली। ये वाटर यहीं से क्रॉस होकर आता है, इसीलिए इस रिवर को शयोक कहते हैं। बट इसका ओरिजिन चाइना, देन शयोक, देन नुब्रा, फिर तुर्तुक से पीओके चल जाता है। पीओके में एक जगह है केरेस, केरेस में इंडस रिवर के साथ ये रिवर मिलता है। इंडस रिवर आता है मानसरोवर लेक से जो कि तिब्बत में है। फिर लेह इसे संगम पॉइंट जो सांस्कर रिवर के साथ मिलता है। फिर करगिल होकर पीओके चल जाता है। एक्चुअली शयोक रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इसके बाद इस रिवर को इंडस रिवर ही कहा जाता है या दरिया सिंह या सिंधु कहा जाता है। यह रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान में। 80% ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इस रिवर के बेसिस पे किया जाता है। इसीलिए इस रिवर पर बहुत सारे ट्रीटी साइन किए गए जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। ये जो रिवर इंडस रिवर, ये रिवर डिवाइड करते हैं दो माउंटेन रेंज को, कराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज को। इसकी इस साइड में जितने माउंटेन्स पीक्स आते हैं सारा कराकोरम रेंज में आता है, और इस साइड में जितना भी आता है सारा हिमालयन रेंज में आता है। अभी हम कराकोरम रेंज में। कराकोरम रेंज का एक फेमस पीक है जिसे केटू पीक कहा जाता है, वर्ल्ड का सेकेंड हाईस्ट पीक और सबसे खूबसूरत और सबसे डेंजरस पीक कहा जाता है। वो अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमारे पास नहीं है, पीओके में है यहाँ पे केटू। तो ये थोड़ा बहुत मैप के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको कोई डाउट से नज़र आता है इसके, आपको कंस्ट्रक्शन काफ़ी छोटा नज़र आता है। इसके पिलर्स और बीम्स आपको छोटे छोटे नज़र आता है। इस घर को राजा तुराब खान ने काटा और कम्बी स्टाइल में, इसको टिम्बर रिइंफोर्समेंट मशीनरी कहा जाता है, उसको समर के 3 महीने के लिए बनवाया। ये जो पत्थर है इन्होंने इसके नीचे भी टिम्बर बिछा कर रखा, नीचे वाले फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर में खाने बनाने वाले लोग। Guys,
अब हम जा रहे हैं एटीवी राइड करने नुब्रा वैली में। पर क्या व्यू है गाइस।
बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और जस्ट हैंगोंग लोक के नज़ारे लेक कैसा लग रहा है टीवी अमेजिंग यहाँ पे ठंड तो है केजरीवाल ऐसे मत आइयो वीडियो में ऐसे आ सकता है केजरीवाल बेस्ट है मजे आ रहे हैं हम सब काले नेटवर्क भी नहीं आता यहाँ पे तो टेम्परेचर भी नहीं देख सकते क्या है मेरे तो दांत भी ठंडे हो गए हैं बहुत ज़्यादा ठंडे पर बहुत ही अच्छा था लाइक अभी बता नहीं पा रहा ठंड की वजह से टोपी जितनी बार टोपी लगा रहा हूँ बार बार उड़ जा रही है पर मस्त है एक्सपीरियंस बनता है चिल्ड प्लेस पे आ गए हैं हम लोग टेम्परेचर तो शायद माइनस में ही होगा क्योंकि अभी स्नोफॉल भी हो रही थी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सेकंड हाईएस्ट पास चांगला पास जो कि है अल्टीट्यूड ऑफ 17,600 फीट के और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ पे कि होंठ कांप जा रहे हैं